वेलकम टू आर्निका होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं एक और होम्योपैथी मेडिसिन जो कि इस वक्त है मेरे पास, क्यूप्रम मेड 30 CH। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स और यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेन से। यदि आपको चक्कर और बेहोशी आती हो, आपको झटके से महसूस होते हो, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं स्टोमक पेट की। यदि आपको ऐठन मरोड़ रहती हो और आपको इसी कारणवश आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेट की जकड़ जाती हैं, जिससे कि आपको उल्टी सी हर दम महसूस होती रहती है, आपको नौसिया की समस्या रहती है, यानी आपको उल्टी महसूस होती है लेकिन उल्टी आती नहीं है। बात करते हैं नाखूनों की। जो हमारे उंगलियों की और पैरों के जो नाखून होते हैं, आपको उनमें झटकन और आपको उनमें झंझनाहट महसूस होती है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं आइस की। यदि किसी भी व्यक्ति की आंखें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा धसी हुई होती हैं, तब हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार बच्चों को भी इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कभी कभार कन्वल्सन्स या चक्कर या बेहोशी आना और बहुत ही ज़्यादा झटके से महसूस होना, तब हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं टिटनेस के बारे में। यदि जो सिम्टम्स टिटनेस में दिखाई देता है, कभी कभार माउथ की जो नसें होती हैं, मसल्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चौक हो जाती हैं, जिसके कारणवश व्यक्ति अच्छे से बोल नहीं पाता या उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलता, तब हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं हेड की स्वेलिंग की। यदि आपके दिमाग में सूजन है किसी भी कारणवश, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मेडिसिन का इस्तेमाल पैरालिसिस के केस में भी किया जाता है। जैसे कि कुछ डिसीजेज होती हैं, जैसे कि पार्किंसंस, एपिलेप्सी, कोरिया, एपिलेप्सी जैसे हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं, और जो पार्किंसंस आपने बड़े बूढ़े लोगों को देखा होगा, बुजुर्ग लोगों को देखा होगा कि उनके हाथ पैर गर्दन या सिर हर दम कपकपाते रहते हैं, या दिन में कुछ ऐसा टाइम आता है या रात का या सुबह का या कभी भी जब उन्हें इस बीमारी का महसूस होता है, ये बीमारी फील होती है कि उनके हाथ पैर बेवजह अनकंट्रोलेबल कपकपा रहे हों। बात करते हैं इसके डोजेज की। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसे कॉमनली लेने का तरीका है कि आप इसे 2 से 4 बूंद डायरेक्ट आप जीभ पर लें, और कुछ भी खाने पीने से आधा घंटे का अंतर रखें। इसे दिन में 2 से 3 बार आप लें। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स अ लॉट।